तो हमारे 2022 की शुरुआत हुई थी कुछ इस तरीके से, और शुरुआत हुई थी हम बनारस गए थे फैमिली के साथ, और जो हमने मजे किए अभी आपके सामने स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूँ। और ये थी हमारी बनारस की ट्रेन, जिस ट्रेन में हमने बहुत मज़े किए, खाना पीना किया और बस बहुत मज़े आए। और मेरे भाई भाई सब लोग थे, मौसी जी वगैरह थी और मौसा जी भी थे और मेरी मम्मी भी थी और मैं भी था और बहन भी थी, तो खूब मज़े किए हम सब ने। जिस होटल में हम रुके हुए थे उसका नाम होटल सरीन है, और इस वक्त हम सब अपने अपने कमरे डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि कमरे बहुत अच्छे थे और हम सब एक दूसरे से बोल रहे थे ये कमरा मैं लूँगा, ये कमरा मैं लूँगा, लेकिन फिर एक कमरा फाइनली हमें अच्छा लगा, फिर मम्मी को भी वो कमरा अच्छा लगा, तो हम फिर उस कमरे में अपना सामान शिफ्ट कर लिया हमने। एंड उस कमरे का बाथरूम मैं दिखा रहा था अपने व्लॉग में, और बाथरूम बहुत ही अच्छा था। और ये व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, अपलोड हुआ पड़ा है व्लॉग। फाइनली जल्दी से बिना रेस्ट किए हम होटल से बाहर गए और ई रिक्शा पकड़ी। ई रिक्शा में बैठ के हम जल्दी से गंगा किनारे घाट गए, और वहाँ सबको पता है कि शाम की आरती के लिए, जो बनारस में शाम की आरती होती है गंगा किनारे, वो आरती देखने के लिए सभी लोग बेसब्र होते हैं, चाहे कुछ देखे ना देखे बट आरती मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए, बट हमने वहाँ जब जाके दर्शन किए तो बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा माहौल था। फिर हम जल्दी से निकले यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, हम लेट हो चुके थे। एंड होटल जब पहुँचते ही हमने सीधा खाने पे धावा बोला और जल्दी से बोला भैया को, भैया जल्दी से ले आओ खाना, और भैया भी ले आए खाना, तो फिर खाना वाना खा के हम सीधा सोने गए। लेकिन नहीं, जो हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है, और हम सब ने प्लान बनाया कि आज रात को कोई भी नहीं सोएगा, और नींद तो वैसे भी किसी को नहीं आने वाली थी, और हम सब ने प्लान बनाया कि चलो अब चाय बना बना के पियेंगे, और हमने खूब सारी चाय पी। और मैं इस वक्त ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मेरे पीछे मेरी मम्मी चाय बना रही है, और मम्मी को आइडिया था घर से निकलने से पहले ही कि चाय और सारा सामान चाय का मम्मी अपने साथ लेकर आई थी, और हमने ट्रेन में भी चाय बहुत सारी बना बना के पी थी, और होटल में भी हमने बहुत सारी चाय बना बना के पी है, और सब लोग खुश थे कि मम्मी ने ये आइडिया सोचा कि चाय के लिए अपना सामान खुद ले जाओ, और चाय की केतली भी मैं उस दिन खरीद के ले आया था। एंड फाइनली हमारा सेकंड डे होता है शुरू, और फिर हमने सोचा सेकंड डे है तो पहले मंदिरों के दर्शन कर लिए जाए, और मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमें थोड़ी सी भूख भी लगी तो हमने कुछ खाना पीना किया, डोसा वगैरह खाया, कॉफ़ी भी शेक पिया। चलो बहुत बढ़िया लगा, तो अगली बार 200 रुपए का क्लास कर रहे हैं हम। इसके बाद हमारा दिमाग काम किया कि हमें बोटिंग करनी चाहिए, और फिर हम सब ने बोटिंग करी है, और बोटिंग के बाद सब घाटों के दर्शन किए, और सब घाटों के दर्शन करने के बाद हम वापस थक हार के होटल पहुँचे। फाइनली फिर हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से वापस हम दिल्ली गए अपने घर। ये स्टोरी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हमारा 2022 स्टार्ट हुआ बनारस से, जो कि बहुत ही हैप्पीली लगा हमको, और इसी के साथ घर पहुंचने से पहले ही एक सरप्राइज़ हमारे लिए ऑलरेडी रेडी था, जो कि थी एक बैटरी वाली स्कूटी। उसका शूट नहीं है मेरे पास बट मैं चलाते हुए आपको दिख रहा हूँगा। और हमारी ये स्टोरी अभी तक बहुत ही अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब खुश थे, और फाइनली एकदम से बहुत ही बेकार हमारा 2022 होता है।
एंड 27 जनवरी को इतना बड़ा लॉस होने के बाद ये हमारा 2022 उसके बाद बहुत ही वर्स्ट हो जाता है हमारे लिए, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरा ब्लॉगिंग करने में भी बिल्कुल मन नहीं करता। पूरा साल ऐसा ही गया और बीच में कभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने बीच में शुरू भी किया, बट रेगुलर हो नहीं पाया। एंड कुछ वीडियोस तो मैंने बना के डिलीट भी कर दी जो कि मैंने डाली ही नहीं है। और अब फाइनली 2022 एंड होने वाला है, आज 2023 न्यू ईयर, आगे देखते हैं कि कैसा वो न्यू ईयर हमारे लिए अच्छा जाता है या फिर ये भी हमारे लिए बेकार जाता है, वो तो अब आगे ही पता चलेगा वक्त के साथ साथ। बट इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये 2022 बहुत ही वर्स्ट था हमारे लिए, बहुत ही बेकार था हमारे लिए। और उम्मीद करता हूँ कि 2023 अच्छा हो, बट अच्छा तो खैर मम्मी के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश एक होती है कि अपनी तरफ से हम कुछ अच्छा कर सके ताकि उनको भी अच्छा लगे जहाँ पे भी हैं वो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ मैं।